दर्शकों आपका स्वागत है विश्वाण के खास कार्यक्रम ब्रजमाला में और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा से। दर्शकों आज हम आपको देंगे कुछ रोचक जानकारी ताजमहल के बारे में। ताजमहल, जी हां, वही ताजमहल जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है, वही ताजमहल जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है, वही ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दर्शकों आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की नीलामी 2 बार हो चुकी है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। आन हमारी शान है, वो पहचान हमारी, यादों में बसा, ख्वाबों में बसा वो जान हमारी। की कला का सबसे नायाब नमूना ताजमहल है। ताजमहल को भारत में मुस्लिम कला का हीरा कहा जाता है। विश्व विरासत ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। 1831 में अंग्रेजों ने ताजमहल को 2 बार नीलाम कर दिया था। मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। सौभाग्य था कि ताजमहल बच गया। आखिर क्या कारण था कि नीलाम होने के बाद भी ताजमहल में कोई प्रवेश नहीं कर सका? इस बात की अधिक जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं सेठ लक्ष्मी चंद के वंशज सेठ विजय कुमार के पास। यहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन आया उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी एज ए व्यापारी बनकर। उनको यहाँ पे घाटा हो रहा था तो उन्होंने कहा घाटे की पूर्ति कैसे करें, तो उन्होंने यहाँ मॉमनन्स के कुछ पुराने वो ऐतिहासिक जो धरोहर थी उनको तोड़वा के यहाँ पर शिपमेंट करके लंदन भेजा। तोड़ाई और शिपमेंट से जो वहाँ पे कलेक्शन आया वो घाटा का, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे बेचो और यहीं पे पैसा लो। इस में उन्होंने ताजमहल की नीलामी करी। कंडीशन ये था कि इसको तोड़कर मटेरियल यहाँ से हटाना है, पूरा मटेरियल की थी उसमें। तो पहली बोली हमारे परिवार ने ली उसकी 1830-32 में 1.5 लाख रुपए के अंदर में। वो अप्रूव नहीं हुई, फिर दोबारा नीलामी हुई। उस समय 7 प्रॉपर्टी नीलाम हुई अंग्रेजों ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी मुसलमानों की मॉर्मन्स की। उसमें 5 अपन ने ली। ताजमहल का उसमें हाईएस्ट बिडर अपन थे 7,20,000 के उस समय, और बाकी के और थी बेगम का बगीचा वगैरह, मिर्जा गालिब की हवेली। इस ताजमहल का दूसरी बार भी वो ऑक्शन अप्रूव नहीं हुआ और बाकी 4 के पोजीशन मिल गए थे। कंडीशन यही थी कि उसको डिसमेंटल। किसी ने पूछा कि भाई आप इसका क्या करेंगे मार्बल का ले जाकर, उनका उस समय रंगजीत मंदिर बन रहा था, तो सेठ लक्ष्मी जी ने कहा ये मार्बल में मंदिर में लगा दूंगा ले जाकर। लेकिन शायद इतिहास को अच्छा था और उन्होंने बोली भी इसीलिए ली थी कि ये टूटे नहीं और सुरक्षित रहे। तोड़वाने का मंशा नहीं था कि उनको रुपये की जरूरत है, चलो अपन रुपये देते और ताजमहल सुरक्षित रहेगा। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम हेनरी कैवेंडिश, जिन्हें लॉर्ड बेंटिंक के नाम से भी जाना जाता है, की नजर ताजमहल पर गई। वे बाद में भारत के गवर्नर जनरल भी रहे। लॉर्ड बेंटिंक ने सोचा कि ताजमहल की खूबसूरत पत्थरों को लंदन ले जाया जाए और नीलामी करके क्वीन विक्टोरिया का खजाना भरा जाए। उन्होंने आगरा और दिल्ली के स्मारकों को गिराने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सा भारतीय अमीरों को बेचा जाएगा और बाकी लंदन में। अंततः ब्रिटिश सरकार ने मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद को ताजमहल 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। सेठ लक्ष्मी चंद ताजमहल पर कब्जा लेने पहुंचे। जब ताजमहल के आसपास रहने वाले ताजगंज के लोगों को इसका पता चला तो इसका विरोध शुरू हो गया और हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गए। उनका कहना था कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करने वाले श्रमिकों के लिए कई कटरे बसाए थे, वे उन्हीं के वारिस हैं। हमारे रहते कोई ताजमहल के पत्थरों को नहीं ले जा सकता है। लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए सेठ लक्ष्मी चंद ने पांव पीछे खींच लिए और ताजमहल को खरीदने का विचार त्याग दिया। इस घटना से लॉर्ड बेंटिंक ताव खा गया। कुछ महीने बाद उन्होंने कोलकाता में अंग्रेजी दैनिक अखबार में ताजमहल को बेचने का विज्ञापन छपवाया। यह बात 26 जुलाई 1931 की है। नीलामी 2 दिन तक चली। पहले दिन मथुरा के सेठ और राजस्थान के शाही परिवार के सदस्यों ने नीलामी में भाग लिया। दूसरे दिन अंग्रेजों को मौका मिला। यह नीलामी मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद के नाम रही। उन्होंने 7 लाख रुपए में ताजमहल को फिर से खरीद लिया।
अंग्रेजों के लिए समस्या फिर वही थी। ताजमहल के पत्थरों को जहाज से लंदन ले जाने की कीमत बहुत अधिक हो रही थी। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश सेना के एक अज्ञात सिपाही ने ब्रिटिश संसद में सदस्यों को बेंटिंक की पूरी कथा बता दी। यह मामला ब्रिटिश संसद में गूंजा। इसके बाद ताजमहल को गिराने का विचार बेंटिंक को त्यागना पड़ा। तो दर्शकों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।